हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द वैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसका सोल्यूशन हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, उसी के आगे हम प्रोसीड करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यू देखिएगा, जिससे कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हम क्वेश्चंस करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक तो क्वेश्चन हो जाए और साथ ही साथ हमारे टॉपिक भी कवर होते चले जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन, 53 तक हम कर चुके थे। 54 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 18 एट हेक्साडेसिमल एंड 35 एट ऑक्टल। तो ये 18 ये नंबर है हमारा हेक्साडेसिमल में, और 35 जो है वो हमारा ऑक्टल में है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें बतानी है, इनमें से क्या होगी। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दो ऑप्शन ऑक्टल में आ रहे हैं, तो यहाँ से डाउट है थोड़ा सा कि हो सकता है दोनों को ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट की गई हो। तो हम इसी को पहले चेक करेंगे कि दोनों को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। तो 35 तो ऑलरेडी ऑक्टल में, इसे भी ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब तक ये सेम उसमें होंगे नहीं होंगे ऑक्टल में, या दोनों हेक्साडेसिमल में, तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो हम पहले 18 को जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्साडेसिमल है इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर बिट का यूज़ करना पड़ेगा, जो बिट क्या होगी यहाँ पर 8421, ये एक फार्मूला है, इसके बेसिस पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, 8 को पहले हम देखेंगे इस फॉर्मेट से किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 × 8, 0 × 4, 0 × 2 एंड 0 × 1। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 0 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 4 प्लस 1 × 8, तो टोटल हमारा 8 आ जाएगा। इट मीन्स हम 8 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 0001 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम 1 को देखेंगे, 1 को इस फार्मूले के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके हेल्प से 1 को लिखना चाहें तो इसको 1 × 1, 0 × 2, 0 × 4, 0 × 8, तो इनको ऐड करेंगे 1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 8, तो सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 को यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 1000, तो 1000, ठीक है। इसके बाद हम ये इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ये अभी बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से आप 3 के पेयर बनाइए, 3 का पेयर ये हो गया, इसके बाद ये 3 का पेयर लेफ्ट से बनाना है, ये बन गया, और ये आपका फिर ये 2 रह गया, यहाँ पर एक और ले सकते हैं 0। तो अब ये 3 के पेयर हो गए। अब इसे हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, 4:1, इसकी हेल्प से हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। 4:1 की हेल्प से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 0, इसके लिए लिखा 0, 0, 0, तो इसको आपको क्या ऑक्टल में वैल्यू बनेगी वो फाइंड करना है। तो 0 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 4 करेंगे, तो सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0, 1, 1, तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए 0 × 1 आपका क्या आएगा, 0 × 1, 0, 1 × 2 क्या आएगा आपका, 2, और 4 × 1 कितना आएगा, 4 × 1 आपका कितना आएगा, 4। तो ये सॉल्व करके आपका कितना आया, यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्व करके ये वैल्यू, अगर हम 4:1 का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये आपका क्या है, यहाँ से सॉरी ये 110 है, 110 है, यहाँ पर ये 3 डिजिट तो यहाँ पर हो जाएगा, 110 है, 110, तो 110 यहाँ से क्या बनेगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3, और 0 × 4 0, तो टोटल सॉल्व करके आपका इसकी प्लेस पर कितना आ जाएगा, 3, ये जो आपकी 3 डिजिट है ये वाली इनकी प्लेस पर, ठीक है। और ये 0, 0, 0 है, तो ये तो सॉल्व करके 0 ही बनेगा। इट मीन्स आपका ओवरऑल सॉल्व करके क्या बना, ये 30 बना, किस में बनाइए, ऑक्टल में। तो 30 हमारा ऑक्टल में हो गया, और ये ऑक्टल में हो गया, और ये 35 ये भी हमारा किस में है, ऑक्टल में। अब दोनों सेम सिस्टम में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 सिंपल जैसे करते हैं, 5 × 0, 0, 5 × 3 कितना होगा, 15 है, पर बेस आपका
8 है, ऑक्टल है, तो इसलिए 15 जो है वो 8 से ज़्यादा है, तो इससे हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो 8 से हमें इसे डिवाइड करा तो कितने टाइम टेबल चलेगा, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर कितना रहा आपका 7, तो और ये फिर 0 टाइम टेबल चलेगा यहाँ पर, तो इसको अगर हम लिखेंगे ऑक्टल में तो 1 then 7, तो ये 1 then 7 ये आ जाएगा 7 1, ठीक है, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फिर 3 की 0 में 2 करेंगे 0, 3 × 3 का कितना आएगा 9, फिर से ये 9 जो है हमारा 8 से ग्रेटर है, तो इसलिए हमें 8 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से हम डिवाइड करेंगे 8 × 1 = 8, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 आ जाएगा, और आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख देंगे, ठीक है, पहले 1 फिर 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 1, तो ये हमारी 9 की वैल्यू ऑक्टल में आ गई 1 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 15 की वैल्यू आपकी क्या थी 1 7 1 7 हमने लिखा, अब इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये 0 7 + 0 7, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 1270, ये ऑक्टल में आ गया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 में हमें क्या कहना है, 55 में हमसे बोलता है कि हमें ऐड करना है 756 जो कि हेक्साडेसिमल में, 375 जो ये भी हेक्साडेसिमल में, तो दोनों सेम सिस्टम में, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं सिंपली 356 and 375 दोनों को ऐड करना है, तो 6 + 5 आपका कितना होता है 11, तो 11 को आप जानते हैं कि जो हमारा सिस्टम है हेक्साडेसिमल उसमें हम 11 को 11 नहीं लिखेंगे, जैसे 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 के लिए हम यहाँ पर सी लिखते हैं, 13 के लिए हम डी, ऐसी 14 के लिए ई और सोन, तो यहाँ पर 6 + 5 करा हमने 11 आ गया, 11 किसके इक्वल होगा बी के, यहाँ पर लिख देंगे 7 + 5 करेंगे तो 7 + 5 कितना होगा 7 + 5 12 हो जाएगा, है ना, और 12 हमारा किसके इक्वल है सी के, तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा जो कि किसके किसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी ए सी बी हेक्साडेसिमल में ऐड करके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्टल नंबर, इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है। देखिए जो भी ऑक्टल नंबर या अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का मतलब 0 से लेकर 2 से पहले जितने भी नंबर होंगे वो सारे बाइनरी में वैल्यूज आएंगी, डिजिट्स बाइनरी में कौन कौन सी आएंगी 2 से पहले और 0, तो 2 से पहले क्या होता है 0 और 1 वैल्यू, तो 0 और 1 में आएगी। अगर हम बात करें ऑक्टल की तो ऑक्टल में क्या होगा वो सारे नंबर जो 8 से पहले और 0 से स्टार्ट हो गए हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के, तो यानी कि अगर कोई नंबर ऑक्टल में नहीं है तो उसमें 7 से ज़्यादा वैल्यू दिखाई देनी चाहिए, तो यहाँ पर 7 से कम है, ये भी ऑक्टल में होगा, ये भी ऑक्टल में होगा, ये भी ऑक्टल में होगा, क्योंकि डिजिट 001 है ना, उस 8 से ग्रेटर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर ये डिजिट 8 आ जा रही है, तो ये इसलिए ऑक्टल में नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्टली 8 नहीं होना चाहिए, 8 से लेस या इक्वल, वो सॉरी लेस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब 57 पर आते हैं, हमें 101 एक बाइनरी में दिया है और 3 ये हमारा ऑक्टल में दिया है, तो दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है, तो दोनों की प्रोडक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट करने के लिए पहले हमें सेम फॉर्मेट में दोनों को बदलना होगा, तो दोनों को हम बाइनरी में बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बाइनरी में ये भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपका 101 तो ऑलरेडी बाइनरी में, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो ये आपका ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं 421 ऑक्टल से बाइनरी में, तो आपको देखना है कि 3 इससे कैसे बनाया जा सकता है, तो 3 बनाने के लिए आपको अगर इसमें 1 से इंटू कर दें और इसमें भी 1 से इंटू कर दें और यहाँ 0 से इंटू कर दें और फिर ऐड करें तो आपका 3 बन जाएगा क्योंकि 2 + 3 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से इसके लिए यानी कि 3 के लिए क्या कन्वर्जन बना ऑक्टल का 011, ठीक है, यानी कि 3 जो हमारा ऑक्टल में था वो बाइनरी में हो गया 011, ये बाइनरी में हो गया और ये ऑलरेडी बाइनरी में था 101, ठीक है। अभी हमें क्या कह रहा है इनका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सिंपली जैसे करते हैं 1 × 1 = 1 हो जाएगा, 1 × 1 = 1 हो जाएगा, 1 × 0 = 0 हो जाएगा, फिर 0 से इंटू करेंगे तो 0 × 1 = 0 और ये भी 0, नेक्स्ट फिर हम मल्टीप्लाई किए 1 × 1 = 1 आ जाएगा, 1 × 1 ये भी आपका 1 आ जाएगा और 1 × 0 = 0 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए 1 1 1 1, तो आपकी वैल्यू क्या आती है 1 1 1 1, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन इसका आ जाएगा बाइनरी में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ दिस, इसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंस निकालना है, मीन्स इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस वैल्यू को 17.8125, तो इसको कैसे करेंगे
ये अभी डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? तो पहले आपका इसको इसका इंटीजर पार्ट देखना है, इंटीजर पार्ट मीन्स डेसिमल से पहले की वैल्यू 17, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसे यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में ऐसे हम लिख देंगे तो ये इसका बाइनरी फॉर्मेट बन जाएगा, 17 की वैल्यू जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि 17 जो हमारा था यहाँ पर, 17 जो हमारा डेसिमल में था वो बाइनरी फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से बाइनरी फॉर्मेट इसकी वैल्यू 10001 बन जाएगी। अच्छा ये नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो 1 वैल्यू आ चुकी है ना टेबल 1, तो 100 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी बाइनरी में कन्वर्ट हो चुकी है 17 के कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए अब डेसिमल पार्ट को देखते हैं, डेसिमल पार्ट हमारा क्या है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो कितना है यहाँ पर, 0.8125 है, ठीक है। तो इसे अब बाइनरी में कन्वर्ट करने का डेसिमल पार्ट को क्या प्रोसेस है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और इंटीजर पार्ट लिखते चले जाना है। तो यहाँ से 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आएगा 1.6250। इसमें इंटीजर पार्ट कितना है जो डेसिमल से पहले है वो 1 लिख लेंगे। उसके बाद इसका फ्रैक्शनल पार्ट दिया, देखा क्या बचा 0.625। अब इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 6 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। इसका फिर से इंटीजर पार्ट कितना है वो यहाँ लिख लेंगे, वो हो गया 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट फिर क्या बचा 0.25, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50। इसका फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट कितना है, इसका इंटीजर पार्ट हमें दिख रहा है 0। फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.50, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, जब तक 1 आ जाए हमें तब तक करना है। इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट 1 होगी, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें आप पहचानेंगे, ठीक है। तो अब इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में ऊपर से नीचे लिख देना है, ऊपर से नीचे। तो ये इसका डेसिमल फॉर्मेट जो था, डेसिमल पार्ट जो था यानी कि 0.8125, इसका बाइनरी फॉर्मेट आ जाएगा, बाइनरी में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1101, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ जाती है, यानी कि 17 का ओवरऑल कन्वर्जन क्या हुआ बाइनरी में, 17 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इंटीजर पार्ट को लिखा क्या 1001 और पॉइंट, फिर डेसिमल पार्ट का क्या गया बना बाइनरी फॉर्मेट 1101 कन्वर्जन। तो इस तरीके से ये टोटल इसका बाइनरी कन्वर्जन हुआ। तो आंसर कौन सा इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट ये होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सॉरी ये 0 था यहाँ पर, हमने सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर 0 आएगा तो ये 0 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2A9, ये हेक्साडेसिमल में है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 2A9। तो 2A9 ये इसे हमें हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बनाया बताया था, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल को फार्मूला बताया था 8421। तो यहाँ पर एक एक डिजिट को हम इसकी बेसिस से बनाएंगे और उसके लिए क्या क्या वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे 9 है, 9 के लिए आपको क्या लिखना होगा, 9 के लिए आप यहाँ पर देखिए कि 9 बनने के लिए आपको यहाँ पर 1 में 1 से मल्टीप्लाई, 2 में 0 से, 4 में 0 से और 8 में 1 से। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 × 1 आ जाएगा, 0 × 2 0 आ जाएगा, 0 × 4 0 आ जाएगा, है ना, और 1 × 8 आपका 8 आ जाएगा, और इन सबको ऐड करके कितना जाएगा 9। यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं 1001, तो 1001 ऐसे लिखेंगे। अब ए की बात करें, ए मैंने आपको बताया था ए किसके लिए यूज़ करते हैं, 10 के लिए, तो ए यहाँ पर 10 के लिए। तो अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए 8421 आप 10 बनाइए, 10 कैसे बनेगा, यहाँ से 8 और 2 को ऐड करके, यानी कि बाकी सब 0 रहेंगे, इनके मल्टीप्लाई में 1 आएगा। तो 1 के मल्टीप्लाई में आपका 0 रहेगा, 2 के मल्टीप्लाई में आपका 1 आएगा, 4 के मल्टीप्लाई में 0 और 8 के मल्टीप्लाई में 1। तो क्या फॉर्मेट बना 9 के 10 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ए के लिए बाइनरी कन्वर्जन 0101। तो यहाँ पर आ जाएगा 0101। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 के लिए, 2 के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसी फार्मूले से आपको 2 को लिखना है। तो 2 के लिए आपको क्या करना होगा, बाकी सब में 0 से मल्टीप्लाई और 2 में 1 से, तो इसके लिए क्या बनेगा
फार्मूला, 1 × 0 यानी कि यहाँ पर 0 आएगा, 1 × 1 2 × 1 करना पड़ेगा, 4 × 0 करना पड़ेगा और 8 × 0 करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या बना इस यहाँ पर बाइनरी सॉरी हेक्स ऑक्टल फॉर्म 2 के लिए वो बनी 0 1 0 0 1, तो 0 1 0 0, तो आगे 0 लिखिए, उनका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये किस में कन्वर्ट हुआ, अभी बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, हेक्साडेसिमल से अभी हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल से कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था पेयर बनाने हैं 3 के, तो यहाँ से एक 3 का पेयर बन गया, यहाँ से 3 का पेयर ये बन गया, यहाँ से एक 3 का पेयर ये आपका 3 का पेयर हो गया, ये आपका 3 का पेयर हो गया, है ना, और ये आपका एक ट्रिपलेट तैयार हो गया, और यहाँ से ये बचा हुआ ट्रिपलेट ये तैयार हो। अब इनको आपको 4:1 फार्मूले की हेल्प से लिखना है, 4:1 की हेल्प से आपको यहाँ पर देखो इसको क्या लिखेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर 0 0 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी 1 × 1 वैल्यू 1 प्लस 0 × 2 वैल्यू 0 प्लस 0 × 4 वैल्यू 0, तो टोटल सॉल्व करके क्या है 1, तो इसकी प्लेस पर तो आपका ना जाएगा। नेक्स्ट फिर अब इसकी देखते हैं 101 की प्लेस पर क्या आएगा, 101 की प्लेस पर तो 1 × 1 आपका कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 0 × 2 कितना जाएगा 0 आएगा, और 1 × 4 आपका कितना जाएगा 4 आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 5, तो इसकी प्लेस पर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 010 010, इसके लिए क्या वैल्यू बनेगी, 1 × 0 × 1 यहाँ पर कितना जाएगा 0, फिर प्लस 1 × 2 आपका कितना जाएगा 2, और 0 + 0 × 4 0 आ जाएगा। टोटल सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी प्लेस पर आपका कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट 001 की बात करते हैं, 001 तो 1 × 1 आपका कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 0 × 2 कितना जाएगा 0 आ जाएगा, 0 × 4 कितना जाएगा 0, तो ओवरऑल सॉल्व करके ये कितना है 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1, तो वैल्यू आपकी क्या बनती है यहाँ पर 1251, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट ऑक्टल में नहीं बदला जा सकता, पहले हेक्साडेसिमल को हम पहले बाइनरी में बदलते हैं, तो ये आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो, और फिर हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला 8421 यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जब आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको 421 यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सीरीज 1 4 1 5 1 6 नेक्स्ट 2 ऑक्टल नंबर आर, तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 ऑक्टल नंबर हमें लिखने हैं इस सीरीज में, ये सब यानी कि ये वैल्यू ऑक्टल में है, ठीक है, तो ये वैल्यू इस समय हमारी किस में है, ऑक्टल में है। तो अगर ये वैल्यू हमारी ऑक्टल में है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखना चाहें तो डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, उससे आप नेक्स्ट वैल्यू देखकर बता सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू आपको देखनी है तो क्या बनेगी, देखना जरा लगातार वैल्यू आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 8 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 1 × 8 to the power 1 यानी कि ये, तो ये नंबर सॉल्व करके आपकी वैल्यू कितनी बनती है यहाँ से, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये 12, इट मीन्स ये वैल्यू आपकी 12 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब 15 की देखते हैं, ये 1 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि ये तो ऑक्टल में है तो ये डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पर आप देखें 1 5 आ रहा है, तो इसको फिर से लास्ट डिजिट आपकी 5 है, तो इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 की पावर 0 यानी कि 1 से, फिर प्लस इसके नेक्स्ट डिजिट क्या आपकी 1, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 की पावर 1 से, तो सॉल्व करेंगे 8 5 13, तो ये वैल्यू 13 आ गई। इसी तरीके से जब इसे देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 14 के, तो लगातार अगर आप सीरीज देखें तो ये वैल्यू आपकी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है डेसिमल में 12 के, ये 13 के, ये 14 के, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 15 और 16। 15 और 16 आप यहाँ से देख लीजिए किससे बन रहा है 15 और 16। चलिए हम इसे चेक करते हैं, इन ये क्या 15 बन रहा है 17 से, तो इसको हम देखें 7 है लास्ट में, तो 7 × 8 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, फिर ये 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, सॉल्व करेंगे 8 और 7 15, यानी कि ये तो आपका मैच कर गया, नेक्स्ट टर्म में 15 आना है और 15 की जो वैल्यू आपकी ऑक्टल में यही बनेगी 17, इसका मतलब नेक्स्ट सीरीज की डिजिट ये 17 तो होना ही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से कोई एक हुआ। अब चेक करते हैं ये वाला पार्ट 18 क्या, क्योंकि ये तो आपका किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना था 17,
ये आपका बना था 15 के लिए, तो 18 किसके लिए बनना चाहिए, 16 के लिए। देखें क्या 18 से 16 बनेगा, तो 18 में आपके लास्ट डिजिट क्या है 8, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 यानी कि 1 से, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 की पावर 0 की फॉर्म में यानी कि 1 से। फिर प्लस नेक्स्ट यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 8 की पावर आप किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो आपका 16 बन रहा है। इसका मतलब ये आपका 15 बना और ये आपका 16 बना और यहाँ पर ये 14 बन रहा था, तो सीरीज़ पूरी हो रही है किससे से, नेक्स्ट 17 और 18 से, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसे याद भी रख सकते हैं कि ऑक्टल की जो सीरीज़ है वो 1 4 1 5 1 6 नेक्स्ट 1 7 1 8 उसके बाद 2 1 आएगी। ठीक है, 2 0 2 1 1 8 के बाद 2 0 2 1, तो इस तरीके से सीरीज चलती है। अदरवाइज आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज, जो जंक ईमेल होते हैं उनको और क्या कहा जा सकता है, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, इनमें से स्पूफिंग कहते हैं, स्पैम कहते हैं, स्पूल कहते हैं, बफरिंग कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल जो होते हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, एक अनदर नेम है जंक ईमेल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो लिनक्स नहीं है। ठीक है, लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है यानी कि। उसके बाद 63, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ ए टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, किसका टाइप है ये इंटरनल एक्सप्लोरर, आप देखते होंगे एक ब्राउज़र है, ये एक ब्राउज़र है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना, ऐसे ही इंटरनल एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। DNS इज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, DNS किसके लिए एब्रीवेशन यूज़ होता है यहाँ पर इनमें से, तो ये डोमेन नंबर सिस्टम के लिए, DNS हमारा यूज होता है डोमेन नेम सिस्टम के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, जब ईमेल एड्रेस आप लिखते हैं या चूज़ करते हैं तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट होता है उसमें चॉइस के लिए, तो यहाँ पर आप पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर एट द रेट लिखते हैं, फिर वेबसाइट लिखते हैं, फिर एट द रेट, ऐसा नहीं कि एट द रेट एक ही बार आता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट फिर नेम लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, वेबसाइट लिखते हैं, डॉट नहीं, क्योंकि एट द रेट आना जरूरी है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, नेम जैसे मेरा नाम है हरी HARI हरी पहले मैं लिखूँगा, फिर एट द रेट लिखूँगा, उसके बाद कौन सी वेबसाइट पर बनाए, जैसे जीमेल पर बनाए तो जीमेल, रेडिफ पर बनाए तो रेडिफ में, तो वो वेबसाइट आएगी, डॉट इन्फो या डॉट कॉम आएगा, इन्फो भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर और डॉट कॉम भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर सर्च इंजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, आस्क एक सर्च इंजन है, विंडोज़ एक सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं या जब भी कहीं पर आप जैसे जाते हैं बैंक की साइट पर भी जाते हैं लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए आपका नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करना होता है, तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है नेम और पासवर्ड डालकर आपका लॉगिन करने का प्रोसेस जो है उसको वेरीफिकेशन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं, तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ www. ठीक है, www का जो ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो बर्थ हुआ था सबसे पहले, इसका कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था, तो इसका जो बर्थ हुआ था सबसे पहले वो CERN एक जगह है यहाँ पर हुआ था, और ये जगह जो है वो इसमें बिल्डिंग नंबर 1 पर हुआ था, अगर बिल्डिंग भी पूछे तो बिल्डिंग नंबर 1 में हुआ था, तो CERN। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69 में, विच ऑफ द दीज इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, इसमें से कौन सी C++ लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज, जावा भी एक लैंग्वेज है, कोबोल भी एक लैंग्वेज है, इसमें से लोटस जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, लेटेक्स तो है, लोटस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 70,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। तो मीडियम लेवल जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 71, द इक्वेशन लॉग एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये एक हमारे पास इक्वेशन है, हैज़ डैश रूट्स, इसके कितने रूट होंगे। तो यहाँ पर हमें इसके रूट्स बताने, तो यहाँ पर इसके रूट्स बताने के लिए आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है आपका, हम एक काम करते हैं इसका अलग ग्राफ बना लेते हैं, इसका अलग, और इस इक्वेशन का रूट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इट मीन्स ये अगर वाई के इक्वल और ये भी वाई के लिए इक्वल लेकर अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो वो पोर्शन जहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, वो इसके इक्वेशन के रूट बनेंगे, यानी कि इसे सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट, क्योंकि उस पर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम दोनों के अलग अलग सेपरेटली ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला को। अब ये पैराबोला को, क्योंकि एक वेरिएबल लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे यहाँ पर माइनस थ्री को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, प्लस थ्री हो जाएगा, और एक ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो प्लस फोर हो जाएगा यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर देखें तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाई प्लस फोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका पैराबोला कौन सी फॉर्म का बना, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स माइनस वाई के, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर का एक्स कंसिडर कर रहा हूँ कैपिटल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस फोर को वाई कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई। पैराबोला किस तरीके से ट्रेस होता है, ये इस तरीके से ट्रेस होता है, वर्टेक्स कहाँ होता है इसका, ओरिजिन पर, बट यहाँ पर हमारा वर्टेक्स ओरिजिन मतलब कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट जीरो, पर कैपिटल एक्स किसके इक्वल लिया था आपने, एक्स माइनस वन के, तो एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, और कैपिटल वाई किसके इक्वल लिया था, वाई प्लस फोर के, तो ये वाई प्लस फोर इक्वल, तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है वन, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है फोर, यानी कि ये पैराबोला कहाँ पर होगा, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, वन कोमा फोर पर। तो ये पैराबोला बनेगा तो ऐसे, पर इसका वर्टेक्स कहाँ जाएगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस सिस्टम के वन फोर पर, तो एक्स एक्सिस वन फोर पर इसका वर्टेक्स जाएगा पैराबोला का, ठीक है। तो ये पैराबोला अगर हम देख सकते हैं, सॉरी ये फोर माइनस में आएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लस फोर इजिकल टू जीरो है, तो वाई माइनस में आ जाएगा, तो वन कोमा माइनस फोर, मान लीजिए यहाँ पर आपका वन आ गया और माइनस फोर नीचे कहीं आएगा, तो इस तरीके से ये पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पर आएगा और ट्रेस ऐसे होगा। अब ये देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करके जाएगा, तो इसकी इक्वेशन में आप जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वाई जीरो रख दीजिए, तो जैसे ही हम यहाँ पर वाई जीरो रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आती है आपकी, एक तो थ्री आएगी और एक माइनस वन, तो एक दो यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एक तो माइनस वन पर और थ्री पर, तो माइनस वन यहाँ कहीं पर होगा, थ्री यहाँ कहीं पर होगा, और ये आपका वर्टेक्स हो गया पैराबोला का वन कोमा माइनस फोर, तो इन सबको मिलाकर ये पैराबोला आपका ट्रेस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये पैराबोला ट्रेस कर लिया, उसके बाद ये आपका लॉग एक्स प्लस वन, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को वहाँ क्रॉस करेगा जहाँ वाई जीरो हो जाए, और वाई जीरो होने का मतलब लॉग एक्स प्लस वन जीरो, और वाई जीरो यानी कि लॉग एक्स प्लस वन जीरो, और लॉग एक्स प्लस वन जीरो मतलब लॉग की वैल्यू जीरो कितने पर होती है, वन पर, तो एक्स जीरो होना चाहिए, यानी कि ये एक्स जीरो पर वाई कितना आएगा, जीरो, तो जीरो जीरो पर, यानी कि ये पैराबोला ओरिजिन से पास होकर जाएगा। और आप जानते हैं कि पैराबोला के जो है वो उसका ग्राफ इस तरीके से जाता है, ऐसे चलता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो अगर वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन लेकर चलेंगे तो ये वैल्यू लगातार आपकी क्या होती चली जाएगी, इधर की तरफ इंक्रीज होती चली जाएगी, इस तरीके से चलेगा, और इधर ये ऐसे जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दो पॉइंटों पर, यानी कि दो ऐसे पॉइंट हैं जो जिससे दोनों की वैल्यू वाई बराबर की वैल्यू बराबर आएगी, है ना, y इक्वल टू करके दोनों ग्राफ लिए हैं तो y की वैल्यू दोनों से बराबर आएगी, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ऐसे दो पॉइंट हैं, तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे इसके, टू सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर
सेम प्रोसेस इसमें लगा सकते हैं 72 वाले में। इसमें भी अगर आप दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने पर कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये तो एक पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर ले लीजिए, ये -3 है, इसको इधर ले लीजिए, तो ये आपका फॉर्म, इसको हम कंसिडर कर लेंगे साइन 2x-5 इक्वल टू 3x+2 का होल स्क्वायर, और ये -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। अब इसको अलग वाई ले लीजिए और इसको अलग वाई ले लीजिए, दोनों का अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इसको अलग वाई लेंगे तो ये वही -3 उधर चला जाएगा, तो ये y-3 इज इक्वल टू 3a+2 का होल स्क्वायर, ये पैराबोला बन जाएगा। अब इस पैराबोला के लिए वही स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम कैपिटल एक्स कंसिडर करें तो ये कैपिटल एक्स यहाँ से आ जाएगा, और इसको कैपिटल वाई कंसिडर करें तो पैराबोला क्या फॉर्म बना, x2 = y, यानी कि पैराबोला ये ऐसे ही बनेगा डाउनवर्ड वर्टेक्स में, है ना। अब इसके लिए इसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, तो x को 0 रख दो, यानी कि 3x+2 = 0, 3x+2 = 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा -2/3, और y कैपिटल की वैल्यू यानी कि y-3 को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 3, तो वर्टेक्स कहाँ जाएगा इसका -2/3, 3 पर इसका वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोला का। तो इसको ट्रेस कर देंगे, तो इसको जब आप ट्रेस करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा -2/3, 3 यहाँ कहीं पर आएगा -2/3, 3 यहाँ कहीं पर आएगा इस तरीके से, और ये वर्टेक्स ऐसे आएगा पैराबोला का, इस तरीके से ट्रेस होगा। और जब आप साइन का इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर -2/3, 3 आ रहा है, यानी कि वर्टेक्स ये जो हाइट है ये हाइट 3 पर है, और साइन का ग्राफ जानते हैं आप, वाई बराबर साइन लेकर कुछ भी करेंगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है और नीचे -1 तक, तो यानी कि ये ग्राफ 3 से नीचे ही रह जाएगा, इस तरीके से जाएगा साइन का ग्राफ, इस तरीके से जाता ना, और इस तरीके से, तो इसका मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वाई की कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी, यानी कि ये भी वाई के बराबर हो जाए, ये भी वाई के बराबर, यानी कि दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब इसका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की बात करें। गिवन दैट f3 = 4, फंक्शन की 3 पर वैल्यू 4 है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए क्या है 3 पर, और what can be the choice of second point for solving the bisection method, यानी कि अगर bisection method से सिस्टम किसी इक्वेशन को f(x = 0 को सॉल्व करना है जिसका इनिशियल गैस 3 है पॉइंट और उस पर वैल्यू 4 आ रही है, तो दूसरा पॉइंट क्या लेना है, क्योंकि bisection method में हम दो पॉइंट लेकर स्टार्ट करते हैं ना, तो दो पॉइंट लेने में पहला एक पॉइंट तो 3 बता दिया उसने क्योंकि इस पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दूसरा क्या कौन सा लेना होगा। हम जानते हैं बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमें उन दो पॉइंटों से स्टार्ट करना होता है जिस पर एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए, क्योंकि जब उसका एग्जैक्ट रूट आने वाला होगा तो वो पॉइंट होता है इक्वेशन का f(x = 0, अगर कोई इक्वेशन है तो इसका रूट निकालने का मतलब, अगर इसे y = f(x) लेके ग्राफ प्लॉट किया जाए तो रूट निकालने का मतलब x की वो वैल्यू जहाँ पर ये 0 हो जाए, f(x) मतलब y0 हो जाए, y0 का मतलब x एक्सिस को क्रॉस करता हो, तो ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करेगा वो इसका सॉल्यूशन बनेगा। और इसके लिए हम अप्रोक्सीमेट रूट दो ऐसे लेकर चलते हैं बाइसेक्शन मेथड में जो एक इसके इधर हो और एक इसके इधर हो, फिर इन दोनों को क्लोज लाते चले जाते हैं, है ना, जिससे हमें एग्जैक्ट रूट की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट ऐसे लेने हैं, एक पर पॉजिटिव साइन वैल्यू है एक पर नेगेटिव, तो 3 पर आपकी पॉजिटिव साइन की वैल्यू आ रही है तो दूसरा गैस हमें नेगेटिव साइन वैल्यू देने वाला पॉइंट लेना है, तो यहाँ पर -4 नहीं ले, -4 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब यहाँ पर देखें तो 0 पर वैल्यू 10 आ रही है, तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव पॉइंट वाली वैल्यू है, 3 पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो एक तो ये पॉजिटिव है तो दूसरा लेना पड़ेगा वो जिस पर वैल्यू नेगेटिव आती हो, तो एक या तो -4 को ले सकते हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव आ रही है, ठीक है, ये ले नहीं सकते, या -2 को ले सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा लें, तो जब आप चॉइस के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ के एक साइड आपका 3 पॉइंट है जिस पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है 3 पर पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट आप अगर लेंगे इधर -4 एक आ रहा है जिस पर नेगेटिव आ रही है, -4 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और एक आपकी वैल्यू देख रहे हैं नेगेटिव इस पर आ रही है -2 पर, तो बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इंटरवल जिस पर करेक्ट रूट आने वाला है वो किस केस में ज़्यादा पास आएगा इंटरवल के अंदर, जब आप 1 से -4 वैल्यू लें या 1 और -2 लें, तो ये ज़्यादा छोटा इंटरवल ये बनेगा ना, तो इसके अंदर रूट ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देगा, जल्दी आंसर पहुँचेगा, तो आपको दूसरा चॉइस क्या लेनी चाहिए, -2 लेनी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 में क्या कहता है, द इक्वेशन x² - 4
सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड इफ इनिशियल गैस एक्स नॉट इज इक्वल टू सिक्स देन द सब्सिक्वेंट एस्टिमेट ऑफ एक्स वन विल बी, मीन्स एक गैस अगर एक्स नॉट लिया हुआ है इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वाला जो रूट हम मानते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड में वो उसने सिक्स बता रखा है, तो नेक्स्ट इससे बेटर अप्रोक्सीमेट रूट एक्स वन हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करने से पहले हम इक्वेशन में यहाँ पर राइट साइड हम जीरो कन्वर्ट कर लेते हैं मेथड के अकॉर्डिंग, और लेफ्ट साइड की जो फंक्शन आ रहा है उसे हम एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर हुआ, और मेथड के अकॉर्डिंग फिर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स। फिर न्यूटन रैप्सन मेथड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट एक्स वन किसके बराबर होता है, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट आपका सिक्स है, तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू सिक्स आ जाएगी माइनस एफ एक्स नॉट सिक्स है, तो यानी कि एफ एक्स नॉट मतलब सिक्स पर फंक्शन की वैल्यू, तो सिक्स यहाँ रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये 32 आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 32 आ जाएगी अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, यानी कि इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स नॉट मतलब की वैल्यू, यानी कि एक्स नॉट की जगह पर सिक्स, तो सिक्स वैल्यू यहाँ रख देंगे, सिक्स टू जा ट्वेल्व ही आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू ये 10/3 आ जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। द सेकंड मेथड कन्वर्ज फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड, तो सेकंड मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ज करता है, करेक्ट रूट की तरफ को ज़्यादा फास्ट जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड सबसे स्लो है, सारे मेथड में सबसे स्लो कन्वर्जेंसी बाइसेक्शन की है, चाहे किसी भी मेथड के साथ कंपेयर करने को गए, तो ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, न्यूटन रैप्सन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, न्यूटन रैप्सन मेथड हमेशा कन्वर्जेंट होता है, नहीं होता, उसके लिए कंडीशन है कि एफ जो भी रूट है एग्जैक्ट, जो भी अप्रोक्सीमेट रूट लेके चल रहे हैं उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू बहुत लार्ज होनी चाहिए, तभी ये कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब ये हमेशा कन्वर्ज नहीं करता, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 76। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाई इन द इंटरवल, इसका रूट किस इंटरवल में लाई करेगा, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, आप इसमें x की वैल्यू रख कर देखिए, वन रखेंगे और टू रखेंगे तो दोनों पर अपोजिट साइन की वैल्यू आएगी, बाकी किसी पर भी देखेंगे तो या तो दोनों सेम आएगी या तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टू और थ्री पर देखेंगे तो, या दोनों पर नेगेटिव आएगी, ऐसी बाकी इंटरवल्स में, तो इसका मतलब अपोजिट साइन की वैल्यू जिस इंटरवल में लाई करती है उसी में रूट लाई करता है, तो अपोजिट साइन की वैल्यू वन और टू पर आपकी बनेगी यहाँ पर, क्योंकि वन रखेंगे तो लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी नेगेटिव आ जाएगा, टू रखेंगे तो ये सॉल्व करके वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब रूट इस इंटरवल में वन से टू वाले में लाई करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77th क्वेश्चन। 77th क्वेश्चन क्या है, बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज, बाइसेक्शन मेथड और किस नाम से पुकारा जाता है, बाइसेक्शन मेथड का एक और नाम है जिससे इसे पुकारा जाता है, वो है मेथड ऑफ हाफिंग इंटरवल, क्योंकि इसमें हर एक इटरेशन में इंटरवल जो रूट को कंटेन करता है उसकी लेंथ हाफ होती चली जाती है, इसलिए हाफिंग इंटरवल भी इसे कहा जाता है। 78। इफ इक्वेशन कंटेन लॉग साइन 10, अगर किसी इक्वेशन में लॉग रिथमिक या साइन 10 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसिग्नेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79।